इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहली पारी में लीड लेने का फायदा इंग्लिश टीम अपनी दूसरी पारी में नहीं उठा पाई और टीम महज 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस पारी के दौरान जो रूट के विकेट को लेकर विवाद हो रहा है, खुद रूट खुद थर्ड एम्पायर के फैसले के बाद झलझलाते हुए नजर आए। वहीं पूर्व इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने भी रूट के विकेट पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग्स का 16वां ओवर रविचंद्रन अश्विन डाल रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद जो रूट के पैड पर जाकर लगी, अश्विन के अपील करने के बाद भी एम्पायर ने इसको नकार दिया। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने तुरंत डीआरएस लिया। बॉल ट्रैकिंग में पता चला कि गेंद लेग स्टंप के आसपास पिच कर रही थी और सीधे स्टंप्स को हिट कर रही थी। थर्ड एम्पायर ने जो रूट को आउट दिया, जिसके बाद रूट बुरी तरह से झल्ला गए और ड्रेसिंग रूम में अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आए। रूट के इस तरह आउट दिए जाने को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन माइकल वॉन ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये फैसला काफी चौंकाने वाला है। आधी से ज्यादा गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, फिर भी वो ट्रैकर में लाल हो गई। हॉकाई के लिए ये सीरीज काफी औसत चल रही है और ये फैसला इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर रूट के लिए भारी पड़ा। हालांकि वॉन ने कुछ देर बाद ही अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और एक और पोस्ट में रूट के डीआरएस वाली फोटो शेयर कर लिखा, आप सभी अपना मन बना सकते हैं। वॉन के अलावा इंग्लैंड टीम की फैन आर्मी 12वीं आर्मी ने भी गेंद की फोटो शेयर कर शौक वाली इमोजी लगाई। बात मैच की करें तो तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 192 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बिना विकेट खोए 40 रन बना लिए हैं। रोहित 24 और यशस्वी 16 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में महज 145 रन पर सिमट गई। जैक क्राउली को छोड़कर कोई भी प्लेयर टिक नहीं सका। क्राउली ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए, जबकि जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए इस इनिंग्स में अश्विन ने 5 जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स लिए। बताते चले कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया की पहली पारी 307 रन पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को 46 रन की बढ़त मिली थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।